गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट ओलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के बारे में कि व्हाट आर द नेचुरल वेज जिससे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को वास्तव में बढ़ाया जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ आपको कुछ बेसिक फैक्ट समझने की जरूरत है। जो टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन, बट ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स में नहीं होता है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल्स में होता है, बट ये फीमेल्स में भी होता है। इट्स वन ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स जो मेल्स के वास्तव में टेस्टिस में होता है एंड वुमन की ओवरीज में होता है। ये जो हार्मोन है ये कुछ एड्रिनल ग्लैंड्स भी बनाती हैं, बट जो एड्रिनल ग्लैंड्स बनाती हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट बनाती हैं, वो ज्यादा अमाउंट नहीं होती है। नाउ जहां तक प्यूबर्टी है या जो बॉयज यंग बॉयज हैं जब जिनकी एज बढ़ने लगती है अराउंड 14-15, जो टेस्टोस्टेरोन है इसका लेवल ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो इनके जो मसल मास है वो बढ़ने लगती है, इनका जो वॉइस है वो डीप हो जाती है या ए मेल वॉइस अपीयर होने लगती है। इन हेयर ग्रोथ या जो फेशियल हेयर के लिए वास्तव में टेस्टोस्टेरोन है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टेस्टोस्टेरोन है सिर्फ बॉयज को चाहिए। जो टेस्टोस्टेरोन है ऑल थ्रू आउट द एडल्टहुड और इवन इन ओल्ड एज टेस्टोस्टेरोन की जो जरूरत है वो बॉडी को पड़ती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो हेल्दी लेवल्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर जनरल हेल्थ, they are important for disease risk, they are important for the body composition and sexual function. And वास्तव में body के सभी function के लिए जो testosterone है is one of the important issues जो आपको ध्यान देना चाहिए। जो अगर आप किसी भी तरह से आप अपनी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ाते हैं तो साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि आपको जो मसल मास है उसको गेन करने में काफी आपको मदद मिलती है। ये भी बात सही है कि जो वाइटेलिटी है इज मैटर ऑफ वीक्स जो आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करता है। नाउ इंटरेस्टिंगली जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, इट इज नॉट ओनली जो मेल्स में इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन के साथ इवन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन उतना ही इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्सुअल वेलबींग। जहां तक रिसर्च का सवाल है ये बहुत कंक्लूसिव है। बिना किसी उसके रिसर्च ये मानती है कि दोनों जेंडर्स के लिए दैट मींस मेल्स में इन फीमेल्स में यू नीड टू इंश्योर दैट लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन आर अप टू द मार्क और एडिक्वेट इन द बॉडी एज यू एज सो दैट आपको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होने पाए। नो विच आर द 8 एविडेंस बेस्ड वेज जिससे वास्तव में आप टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 पर आती है एक्सरसाइज। जब मैं एक्सरसाइज की बात करता हूं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज द वेट लिफ्टिंग। आप ध्यान से देखिए कि अगर वेट लिफ्टिंग है तो वेट लिफ्टिंग वास्तव में आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको ऊपर की तरफ लेके चलती है। ये टेस्टोस्टेरोन को ऊपर ले जाती है, फिटनेस के लेवल को ऊपर ले जाती है, रिएक्शन टाइम को कम करती है। साइंटिफिक स्टडी ने यह माना कि इन द ओबीस पीपल जिन्हें रिड्यूस करने के लिए वेट एक तो डाइट पे चले गए, दूसरे लोगों ने एक्सरसाइज की, तो जिन लोगों ने एक्सरसाइज की उनका वेट भी कम हुआ और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ऊपर गया। बट ऑन द कंट्रेरी दूसरे लोग जिन्होंने वेट लॉस के लिए सिर्फ डाइटिंग की उनका वेट तो कम हुआ लेकिन टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है या तो प्लेटू रहा या थोड़ा सा कम हो गया। तो इसलिए जो एक्सरसाइज है वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ऊपर करने में। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इज द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और द वेट लिफ्टिंग जो सबसे ज्यादा मदद करती है, लेकिन हाई इंपैक्ट इंटरवल ट्रेनिंग वो भी उतनी ही ज्यादा मदद करती है। फॉर दैट मैटर कोई भी एक्सरसाइज आप करें, साइंस ऐसा मानती है कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको ऊपर की तरफ ले जाने में आपको डेफिनेटली हेल्प होती ही होती है। ऐसा भी बात सही है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आप कैफीन लेते हैं या कुछ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जैसे सप्लीमेंट लेते हैं, यह भी आपके जो टेस्टोस्टेरोन है इनके लेवल्स को ऊपर करने में मदद करता है। नंबर 2 पर आती है डाइट। जहां तक डाइट का सवाल है आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोटीन है, वो फैट हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन्स चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। और चूंकि आपको एक्सरसाइज करनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बिकम इंपॉर्टेंट। एंड जहां तक फैट्स का सवाल है, किसी भी हार्मोन को बनने के लिए फैट्स आर द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस विच वी रिक्वायर। तो हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स हो, एडिक्वेट फैट हो और एडिक्वेट प्रोटीन हो सो दैट टेस्टोस्टेरोन का जो फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ रहे।
आपको अपना जो स्ट्रेस का लेवल है उसको नीचे करके रखने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको स्ट्रेस होती है तो आपका कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर जाता है, और जो कॉर्टिसोल का जो लेवल है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, ये सीसा जैसे बिहेव करते हैं, इन द सेंस कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर जाएगा तो कॉर्टिसोल का लेवल नीचे आएगा, अगर कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे आएगा। तो इसलिए आपको कॉर्टिसोल का लेवल नीचे करने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। यह भी बात सही है कि अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा है तो आपका स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है, तो आप जो ना का जो फूड इंटेक है वो बढ़ जाएगा, आपका फूड इंटेक बढ़ेगा तो आपका वेट गेन होगा, आपका वेट गेन होगा तो आप हार्मफुल जो बॉडी फैट है वो आपके बॉडी में कलेक्ट होगा, एंड वास्तव में आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो कॉर्टिसोल को नीचे की तरफ करने के लिए आपको ऑल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेगुलर वास्तव में कॉर्टिसोल रिडक्शन मेजर्स, ये आपको सबसे ज्यादा मदद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द विटामिन डी। विटामिन डी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। जो विटामिन डी है, विटामिन डी इज अ विटामिन बट एक्ट्स एज अ हार्मोन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर माना जाता है। एक स्टडी थी ऑफ 12 मंथ्स ड्यूरेशन जिसमें कि पेशेंट्स को 3000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी पर डे दिया गया, एंड दी स्टडी वाज फाउंड दैट इनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25% एनहांस हो गया। इसका मतलब यह है कि विटामिन डी अगर ऊपर की तरफ रखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ रहता है। इवन इन एल्डरली पॉपुलेशन विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों आपके न सिर्फ बोन एंड मसल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट टेस्टोस्टेरोन के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो डाइट है वो एडिक्वेट अमाउंट में आपको विटामिन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है विटामिन डी, तो आपको सन एक्सपोजर तो ज्यादा चाहिए ही, बट उसके अलावा आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। कितना सप्लीमेंट लेना है? अप्रोक्सीमेटली 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स अ डे, सो दैट आपका विटामिन डी का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ रहे, ताकि टेस्टोस्टेरोन का जो एक फॉर्मेशन है वो भी कैटलिटिक हो पाए। नाउ जहां तक दूसरे सप्लीमेंट का सवाल है, अगर हम ध्यान से देखें द सेकंड वन इज द जिंक। स्टडीज ने ऐसा माना कि अगर आप जिंक सप्लीमेंट लेते हैं तो सीमेन की जो अमाउंट है वो भी ऊपर की तरफ जाती है, प्लस जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम सब विटामिन्स और मिनरल्स को देखें तो साइंटिफिकली विटामिन डी एंड जिंक, दीज आर टू, विटामिन डी एंड जिंक दीज आर टू जो टेस्टोस्टेरोन के जो फॉर्मेशन है उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द स्लीप। जहां तक स्लीप का सवाल है, साइंटिफिकली स्टडीज ने ऐसा माना कि जब आप सोते हैं तो डाइट एंड एक्सरसाइज के अलावा स्लीप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज जो टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन में आपको मदद करती है। ऑन एन एवरेज हर आदमी को जो स्लीप का रिक्वायरमेंट है वो फर्क है, बट स्लीप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इन वन ऑफ द स्टडीज के ऑल दोस पीपल जिनका स्लीप कम थी, इन द सेंस हु स्लेप्ट जस्ट 5 आवर्स पर नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, साइंटिफिक स्टडीज ने माना का इनका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो 15% रिड्यूस हो गया। ऑल दोज पीपल हु स्लेप्ट फॉर लेस देन 5 आवर्स, उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25% नीचे की तरफ आ गया। तो ऑन एन एवरेज जो ऑप्टिमल स्लीप लेते हैं बिटवीन 7 and 10 आवर्स, जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ठीक रहता है या ऑप्टिमल रहता है। तो स्लीप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाउ देयर आर सर्टेन नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें समझें। हमारे देश में मिलती है अश्वगंधा। जो अश्वगंधा है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल बूस्टर। एक स्टडी ने ऐसा माना कि अगर आप अश्वगंधा रेगुलरली यूज करते हैं तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है बाय एंड लार्ज इन हेल्दी इंडिविजुअल्स 15% ऊपर की तरफ चला जाता है। ये भी बात सही है कि अगर आप अश्वगंधा रेगुलरली लेते हैं तो ये आपके कॉर्टिसोल का जो लेवल है उसको 25% नीचे कर देता है। लेकिन आपने पहले भी देखा कि जब कॉर्टिसोल का लेवल नीचे की तरफ होता है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाता है, और अगर कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हम दोनों चीजों को देखें तो जो अश्वगंधा है वो आपकी दोनों चीजों में मदद करती है। The next one is the ginger. जो जिंजर है वो हमारे खाने में किचन में रोज यूटिलाइज होता है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जिंजर इन एनी फॉर्म आपका जो टेस्टोस्टेरोन है इसके प्रोडक्शन में डेफिनेटली हेल्प करता है, बूस्ट करता है। इन वन ऑफ द स्टडीज जिसमें
which was observed on animals, कि अगर उन्हें regularly जिंजर दिया गया in significant amount, तो उनका जो testosterone का level है, वो 17% enhance हो गया, 17%. Now there are certain other herbal supplements which are available. ऐसा मानती है science कि ये भी testosterone के जो formation है, उसमें help करते हैं. जैसे शिलाजीत हमारे यहाँ use होती है, हमारे यहाँ जैसे टोंगट यली use होती है, horny goat weed available होता है market में. ये इस तरह की चीजें हैं जो आपका जो testosterone है, उसको शायद boost करने में आपको मदद करती हैं. Now there are certain things जो आपको harm करती हैं, in the sense कि there are certain things which have estrogen-like compounds. तो जो भी estrogen like compound होगा, वो testosterone के opposite काम करेगा. अगर ऐसा होगा, तो आपका जो testosterone का level है, वो नीचे की तरफ रहेगा. जैसे कि अगर ज़्यादा exposure है to BPA, parabens और chemicals जो कि plastic bottles में पाए जाते हैं, science ऐसा मानती है कि अगर इन्हें ज़्यादा आप use करते हैं, तो आपका estrogen like compound का level ऊपर की तरफ होता है, तो जो testosterone है, वो नीचे की तरफ रहते हैं. तो इसलिए इनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. Now अगर आप एक healthy lifestyle को follow करते हैं और अल्कोहल जैसी चीजों को आप कम कर देते हैं, आप ड्रग्स जो ना उनको भी यूटिलाइजेशन कम कर देते हैं, जो वास्तव में टेस्टोस्टेरोन को नीचे करने की ताकत रखती हैं, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज हो जाता है. साइंस ऐसा मानती है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. हैप्पीनेस और एनी सक्सेस जो आपके मूड को बूस्ट करके ऊपर की तरफ चलती है, वो वास्तव में आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, उसके लेवल को ऊपर की तरफ लेके चलती है. तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन को ध्यान से देखें, तो इसको आप ध्यान से समझिए कि जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, वो 25 से 30 साल की उम्र के बाद धीरे 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 कम होने लगता है. इट्स ए नेचुरल डिक्लाइन विच इज नॉर्मल फॉर एवरीवन. एंड वो नॉर्मल डिक्लाइन होने के बावजूद भी इसकी अमाउंट वास्तव में एडिक्वेट होती है बॉडी में टू सस्टेन एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी. बट रिसर्च स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि अगर आपका जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन है, उसका लेवल कम है, नॉर्मल से कम है या लो है, तो उससे ओबेसिटी का एक जो खतरा है वो बढ़ता है, उससे आपको डिजीज होने का खतरा बढ़ता है, वास्तव में प्रीमेच्योर डेथ का रिस्क खड़ा हो जाता है. तो इसलिए जो एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, वो बॉडी में एट ऑल एज होना ही चाहिए. जो हेल्दी टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेल्स ओनली, बट इन फॉर फीमेल्स जो हेल्दी टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो मेल्स को टेस्टोस्टेरोन चाहिए, बट फीमेल बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए. तो ये नेचुरल वेज हैं जिनसे वास्तव में आप अपने टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है, उसको ऊपर की तरफ रख सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड एक हेल्दी जो है ना बॉडी है, उसको मेंटेन करने में आप अपनी मदद कर सकते हैं. अगर समझते हैं कि इस टॉपिक को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें. मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर. थैंक यू वेरी मच.